मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा कि षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं, आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, इस राज्य का तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती। अध्यक्ष, राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए। अध्यक्ष महोदय, किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे हैं, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे,